एक बार फिर आपको खुशामदेद हमारी कायनात की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हमने शुरू किया था एक नए उनवान के साथ हमारी कायनात में एडिशन, और वो था नई बात के नाम से। तो नई बात में हम करते ही हैं कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़, कोई नई चीज़ सामने आए तो उसके ऊपर हम थोड़े से अपने फलकियाती तज्जिए कर सकें। सो हमेशा की तरह मेरे साथ हैं डॉक्टर सलमान हमीद अमरीका से। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से? आपने? बेहतरीन, बिल्कुल ठीक ठाक। तो डॉक्टर साहब, ये खबरें बड़ी चली प्लैनेट एक्स के नाम से, और उसकी डिस्कवरी के बारे में कुछ बातें हुई, फिर ये भी है कि अभी ये कंफर्म नहीं है। तो अच्छा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है जो हम पहले खबरें सुनते आए कुछ अरसा पहले तक उसके मुकाबले में। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा सा इसको, इस पर ज़रा हमें ब्रीफ करें कि ये हमारे निज़ाम शमसी में ये नया सैयारा कहाँ से आ गया? हम तो सैयारों को निकालने पे तुले हुए थे। हाँ, तो ये एक एक्चुअली बड़ी खबर है, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो पहले क्लेरिफाई कर दें। एक ये है कि अभी ये जो इसकी अनाउंसमेंट हुई है, ये भी कुछ अर्से पहले अनाउंसमेंट हुई, और ये माइक ब्राउन, और ये इत्तेफाक की बात है कि माइक ब्राउन वो एस्ट्रोनॉमर हैं जिनका हाथ है प्लूटो को सोलर सिस्टम प्लैनेट से बाहर निकालने में, ठीक है? क्योंकि इन्होंने, माइक ब्राउन जो हैं, उसने डिस्कवर किया था एक और ऑब्जेक्ट, एक और माइनर प्लैनेट जिसको हम कहते हैं सीरीज के नाम से, जिसका साइज तकरीबन प्लूटो जितना है, ठीक है? तो वो एक्चुअली उसने डिबेट शुरू की थी इस बात पे कि अगर वो एक और माइनर प्लैनेट है तो हम प्लूटो को हम प्लैनेट क्यों कहते हैं, प्लूटो को भी हम माइनर प्लैनेट करते हैं, ठीक है? अब पिछले महीने, बल्कि दो हफ्ते पहले एक्चुअली, इसका भी एक पेपर आया जिसमें उसने बात की कि एक और प्लैनेट अब गालिबन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है। अब इस किस्म के छोटे वाले जो बॉडीज हैं प्लैनेट को, अगर छोड़ें, अगर छोटे वाली बॉडीज हैं वो तो मिल रहे थे, ठीक है, लेकिन इस अनाउंसमेंट में वो बात कर रहे हैं कि ये ऐसा प्लैनेट है जो तकरीबन नेपच्यून के साइज का है, ठीक है? और जमीन से ये हम बात कर रहे हैं नेपच्यून से बाहर की, ये हम बात कर रहे हैं नेपच्यून से बहुत आगे, ठीक है? ठीक है, तो एक इलाका है जिसको कहते हैं क्वाइपर बेल्ट, ठीक है? क्वाइपर बेल्ट है नेपच्यून के आगे जो हिस्सा है, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के, जब सोलर सिस्टम बना था तो उसमें जो चीज़ें बची खुची रह गई, कुछ तो ज़मीन और वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जिनको कहते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और फिर बड़े वाले प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस, तो बड़े वाले प्लैनेट्स बने। नेपच्यून के आगे एक इलाका है जो है डिस्क जैसा ही, मगर उसमें हैं कुछ कॉमेट्स भी हैं, एस्ट्रॉइड्स ऐसी चीज़ें भी हैं, ज़्यादातर कॉमेट्स ऐसी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत सारे जो नए बॉडीज डिस्कवर हुई वो अब उस क्वाइपर बेल्ट में डिस्कवर हो रही हैं, लेकिन ज़्यादातर छोटी थी। अब जो जो यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है वो ये है कि गालिबन एक ज़मीन से 10 गुना ज़्यादा मास के हिसाब से एक प्लैनेट मौजूद है, और वो बहुत दूर है। अगर आप हिसाब लगाएं तो वो ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द एक साल लगाती है घूमने में। अगर आप नेपच्यून की भी बात कर रहे हैं तो वो तकरीबन लगाता है 165 साल, ठीक है? ये जो प्लैनेट है, अगर ये मौजूद है, और अभी मैं बात करता हूँ कि उसको अगर क्यों कह रहे हैं, तो उसको 15,000 साल लगते हैं सूरज की गिर्द घूमने में, ठीक है? तो ये हम बहुत ही दूर एक प्लैनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो लेकिन इसमें जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसमें ये भी कंफर्म करना है कि वो वाकई मौजूद है या नहीं, और इसका ताल्लुक है कि वो उसको हमने डिटेक्ट किस तरह से किया, ठीक है? तो डॉक्टर साहब, यही सवाल पैदा होता है कि एस्ट्रोनॉमर्स ज़्यादातर चीज़ों को तो अपनी दूरबीनों से देख लेते हैं, और फिर कुछ क्लेवर मेथड्स उन्होंने सोचे हुए हैं जिससे वो डिड्यूस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को। तो ये हमें मिला किसी दूरबीन से या किसी और तरीके से? हाँ, तो ये एक्चुअली मैथमेटिक्स, जब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की, तो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का बड़ा गहरा ताल्लुक है, और ऑर्बिट्स वगैरह को जो समझने की बात है ये आज की नहीं, बल्कि हमने बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं, या कम अज़ कम हमारे अपने सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स जो आंखों से विजिबल नहीं हैं, जिसमें यूरेनस शामिल है, नेपच्यून शामिल है,
ये दोनों एक्चुअली डिस्कवर हुए थे, यूरेनस हमें मिला था 18th सेंचुरी में, 1781 में, ठीक है तो वो तो डिस्कवर हो गया। लेकिन जब उन्होंने उसके ऑर्बिट देखे तो वो जो न्यूटन्स लॉज हैं उससे आप गौर कर सकते हैं कि प्लैनेट के ऑर्बिट कैसे काम कर रहे हैं। और जब यूरेनस डिस्कवर हुआ उसके बाद उनको पता चला कि ये जो यूरेनस का ऑर्बिट है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म का है लॉज जो प्रिडिक्ट करते हैं उससे। तो ख्याल ये हुआ कि गालिबन इसके ऑर्बिट हल्का सा मुख्तलिफ है क्योंकि शायद कोई और प्लानट वहाँ पर बड़ा मौजूद है जो इसके प्लानट जो इसके ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन थी जिसकी वजह से नेपच्यून मिला 1846 में। और वो एक बड़ी एक्चुअली अमेजिंग चीज़ थी क्योंकि खाली मैथमेटिकली लोगों ने ये पता कर लिया कि अगर आप पूरा आसमान है आपके पास, अब आपके पास यार टेलीस्कोप है, आप उसमें पूरे आसमान में आप कहेंगे कहीं प्लेनेट मौजूद है, आपको कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि आसमान इतना बड़ा है। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इतना पता चल गया कि देखें ना सिर्फ यूरेनस का ऑर्बिट जो है वो डिस्टर्ब है, कोई और प्लेनेट है, ठीक है, बल्कि अगर आप आसमान के इस हिस्से के ऊपर टेलीस्कोप लगाएं तो आपको एक नया प्लेनेट मिलेगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। ठीक है, ये 1846 में इस तरह से नेपच्यून मिला था। ठीक है, ठीक है, अब ये जो प्लैनेट एक्स, और बाय द वे नेपच्यून का जो ऑर्बिट था वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब था, इसकी वजह से हमेशा से तलाश रही है किसी और प्लैनेट की। और प्लूटो पहले मिला मगर प्लूटो छोटा था, तो एक तरह से हमेशा से बात रही है कि शायद कोई प्लैनेट एक्स ठीक मौजूद है। ठीक है, अब ये जो प्लैनेट मिला है अगर है मौजूद, वो मिला है कि 6 ऑब्जेक्ट्स हैं छोटे इंक्लूडिंग सेडना जो एक चांद से भी थोड़ा, आई थिंक मेरा ख्याल थोड़ा छोटा है वो एक ऑब्जेक्ट जो क्वाइपर बेल्ट में है, उनके ऑर्बिट जो हैं वो एक तरीके से अलाइन हुए हुए हैं। ठीक है, अच्छा नॉर्मली आपका ख्याल होगा कि उनके ऑर्बिट जो होंगे वो रैंडम होंगे क्योंकि ठीक है 6 ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऑर्बिट जो हैं वो रैंडम होने चाहिए। लेकिन अगर आप इनके ऑर्बिट्स देखें वो उनकी इंक्लिनेशन वो एक जैसी है। अब ये एस्ट्रोनॉमर्स ने उसके बाद मैथमेटिकल मॉडल्स रन किए कि क्या वजह है कि उनके ऑर्बिट्स एक अलाइनमेंट में हों, और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स लगाए, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के प्लैनेट्स लगाए। अब उनके हिसाब से ये पता चला है कि इनके प्लैनेट जो हैं वो गालिबन इनके ऑर्बिट जो हैं वो इस प्लैनेट के मौजूद होने की वजह से अलाइन हुए हैं। ठीक है, और उनके ख्याल में ये 1 in 15,000 चांस है कि इट्स बाय रैंडम। ठीक है, सो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो फिर वो मॉडल्स में ये करते हैं कि ओके अब किस किस्म का प्लेनेट होगा, कितना उसका मास होगा, उसका ऑर्बिट कैसा होगा जो इस किस्म की अलाइनमेंट दे। तो इस तरह से वो पता चला है, लेकिन अभी तक हमें उसकी कोई तस्वीर नहीं मिली, अभी तक हमने उसको देखा नहीं है उस प्लैनेट को। और मैथमेटिकल मॉडल्स गलत भी हो सकते हैं, देर इज अ 1 in 15,000 चांस। तो जब तक उसकी कोई ऑब्जर्वेशनली टेलीस्कोप के जरिए कॉन्फर्मेशन नहीं होती, मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सब्र करके रखें कि मैं मिला है कि नहीं मिला। लेकिन देर अ गुड चांस क्योंकि क्योंकि मैथमेटिकली फिजिक्स जो है, ये ऑर्बिट्स जो हैं, एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो काफ़ी उनकी समझ है, इट्स अ वेरी वेल डेवलप्ड फील्ड ऑर्बिट्स वगैरह के सिलसिले में। अच्छा, तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो 6 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अलाइनमेंट की आप बात कर रहे हैं और जिससे फिर ये समझा जा रहा है कि कोई और प्लानट है, ये क्या पास पास हैं, एक साथ हैं? हाँ, ये एक हिस्से में है, अगेन क्वाइपर बेल्ट में, ठीक है, तो ये नेपच्यून से आगे हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स भी काफी दूर है। बल्कि जो सेडना है जो काफी जो एक सबसे बड़ा वहां पे उस इलाके में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, आई थिंक वो भी इसी एस्ट्रोनॉमर माइक ब्राउन ने ही डिस्कवर किया था। अच्छा, उसको भी 11,000 साल लगते हैं ऑर्बिट करने में अच्छा, सूरज के। तो अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स जो काफी आगे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इसकी जो अच्छी चीज होगी इस किस्म का अगर प्लैनेट अगर हमें मिलता है ठीक है, वो ये है कि हमें ये पता चलेगा कि एक तो सोलर सिस्टम की वसत कहाँ तक जाती है। एक इसमें इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि इतनी दूर ये प्लैनेट बना कैसे, और हमारी जो जितनी भी सोलर सिस्टम की जो थ्योरीज हैं उसमें ये ख्याल नहीं है कि इतनी दूर प्लैनेट हम बना सकते हैं। तो ख्याल ये है कि ये प्लैनेट बना वहीं था जहाँ पे यूरेनस और नेपट्यून है। ओके,
मगर फिर वो इनकी ग्रेविटी इंटरैक्शन की वजह से अर्ली सोलर सिस्टम में 7.5 बिलियन साल पहले उसको जो है वहां से उसको किक हुई इंटरैक्शन में और वो किक आउट हो गया बाहर के सोलर सिस्टम में। और ख्याल ये कि इस किस्म के और ऑब्जेक्ट्स भी थे, ठीक है, और मगर बहुत सारे जो है वो सोलर सिस्टम से बाहर चले गए, ठीक है, और कुछ जो है वो बाहर के सिस्टम बाहर के इलाके में चले गए सोलर सिस्टम के, ठीक है। तो ये गालिबन ख्याल ये कि वो बना अंदर था और अब वो बाहर रहता है, ठीक। अच्छा, तो अब जो आखिरी मैं चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ये जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप है, ये उसकी विजुअल रेंज में आता है, ये इतना डिम तो नहीं होगा कि हम इसे किस तरह से डिटेक्ट करेंगे, इसकी कितनी ब्राइटनेस? अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि उसकी, ये भी प्रोडिक्शन है ना, क्योंकि हमें उसके बारे में ज़्यादा मालूम ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। और ये जो मैं आपको 15,000 साल का भी बता रहा हूँ, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि उसका ऑर्बिट किस तरह से होगा, ठीक है। इसमें एक और मसला ये है कि आई थिंक जो मैंने उसके बारे में पढ़ा है कि इस वक्त एक्चुअली बेहतर टाइम है, आई थिंक उसके जो ऑर्बिट ऐसे हिस्से में है जब वो मिल्की वे से दूसरी तरफ है, अगर आप अगर उसकी ओरिएंटेशन ऐसी हो कि वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ हो, ठीक है, तो फिर इतनी डेंसिटी होगी स्टार्स की, उसको तलाश करना मुश्किल होगा। इस वक्त ख्याल है कि उसको तलाश करना रिलेटिवली आसान होगा, रिलेटिवली, ठीक है। लेकिन याद रखें हमें मालूम नहीं कि वो है कहाँ, ठीक है, ठीक है, हमें खाली अंदाजा है और हम बहुत ही फेंट चीज तलाश करना है। जो मैंने एस्टिमेट देखे हैं वो ये हैं कि वो 18th to I think 22nd मैग्नीट्यूड का हो सकता है, इट इज वेरी फेंट, मगर उसको आप तलाश कर सकते हैं। लेकिन देखें आपने उसको खाली आपने एक चीज देखनी है और फिर उसको देखना है कि वो हल्का सा मूव कर रहा है और वो बहुत दूर है, उसकी मोशन कम होगी किस इलाके में, इट्स गोइंग टू बी अ टफ चैलेंज। लेकिन इसके बारे में हमें ये नहीं पता कि वो किस चीज़ का बना हुआ है, उसकी लाइट रिफ्लेक्ट किस तरह से होगी, तो मुख्तलिफ किस्म के उसमें जो हैं वो फैक्टर्स हैं जो अनसर्टनटीज हैं विच विल मेक इट वेरी चैलेंजिंग। मगर आई थिंक उसका अगर मॉडल सही है, और इसमें सारी वो चीज़ भी है कि मॉडल्स को भी ठीक होना जरूरी है, कि अगर वो मॉडल सही हैं तो दे विल बी एबल टू प्रोडिक्ट किस इलाके में हो, इट विल बी अ प्रीटी बिग एरिया, और फिर उसमें आप तलाश करें। तो क्या पता यार आप अपनी टेलीस्कोप लगा कर रखें आप उसके ऊपर जो है, और हो सकता है कि आपको मिल जाए। नहीं, आई मीन आई थिंक 18th मैग्नीट्यूड छोटी, आई मीन मैक्सिमम, सो 18 मे बी मैं कोई इंफ्रारेड यूज करूँ या कुछ ऐसा तो कुछ नजर आए तो नजर लगा के रखें। लेकिन ये भी नहीं मालूम किस इलाके में है, ठीक है, you know, so that right now it's a big challenge. अच्छा, जैसे, I think, जैसे, हाँ, जैसे नेपच्यून के बारे में कोई एरिया डिफाइन किया गया था, इसके बारे में हमें कुछ एरिया रफ पता है? अभी मुझे मालूम नहीं, और नेपच्यून का अगेन क्योंकि वो रिलेटिवली काफी करीब था, ठीक है, तो आपको एरिया स्पेसिफिकली डिजाइन करना जो है वो आसान है, ठीक है। ये आप बात कर रहे हैं इतनी दूर कि अगर आप छोटा सा भी एरिया होगा उस पर भी आपको बहुत बड़ी रेंज आपको देनी होगी, तो अभी मुझे मालूम नहीं, आप इसके ऊपर आप नज़र रखें। मेरा ख्याल है कि इसके बारे में भी और डिटेल्स आएंगी और आई थिंक इसकी सर्च होगी, क्योंकि आई थिंक दैट वुड बी एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, लेकिन उस वक्त तक कंफर्म नहीं होगी जब तक हम इसका विजुअल आइडेंटिफिकेशन ना कर लें। तो इसका मतलब है कि दूरबीन अपनी रेडी रखें और दूरबीन तैयार रखें, और मुबारक हो अगर हमारा ये प्लैनेट कन्फर्म हो गया, तो मेरा तो ख्याल है कि ये 10वां प्लैनेट होगा, प्लैनेट एक्स, राइट, ठीक है। लेकिन मैं कुछ लोगों का ख्याल है कि ये 9वां प्लैनेट है, लेकिन जैसे भी है एक एक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे, और मैं प्रेटी श्योर क्यों हूँ कि इसके बारे में हम दोबारा ज़रूर प्रोग्राम करेंगे, दिस वे और दैट वे हम बाहर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।